नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक हैं। लॉकडाउन के चलते हम घर का खाना खाते खाते थोड़े से बोर हो चुके हैं। पहले से ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं कुकिंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ, पर मैंने कुछ दिनों पहले डोनट्स बनाए, एगलेस डोनट्स। केडन जो मेरे बेटे हैं उनको डोनट्स खाने थे, जो मैड ओवर डोनट्स जो जगह है बाहर मॉल्स में, जब भी हम जाते थे कोविड के पहले तो वहाँ पे वो डोनट्स खाते थे। तो ही सेड, मामा मुझे वो मॉल वाले जो हम डोनट्स खाते हैं वैसे वाले डोनट्स चाहिए। तो मैंने सोचा चलो कोशिश कर सकते हैं। तो थैंकफुली जब मैंने कोशिश करी तो वो अच्छे आए एंड इवन जेमी रियली लाइक इट। तो मैंने सोचा आज मैं आपको मेरी रेसिपी बताती हूँ। मेरी तो रेसिपी खैर नहीं है, मैंने भी इंटरनेट से ली है, बट दिस इज़ हाउ आई मेड इट। और एगलेस है, आपको ड्राई यीस्ट की ज़रूरत उसमें पड़ेगी, तो वो प्लीज़ आप ऑर्डर करा लीजिए, अमेजोन पे मिल जाता है, मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हल्का सा गर्म दूध ले लीजिए, मैंने इसको 20 सेकेंड माइक्रोवेव में डाला है दूध को, और 2.5 टेबल स्पून यीस्ट के इसमें डाल के इसको अलग रखना है हमें। तो ये हम करते हैं, ये देखिए इसको हल्का सा मिक्स किया आपने, इसी में ही आप एक चम्मच शुगर डालिए, ये देखिए, एंड जस्ट मिक्स इट। ये आपका ड्राई यीस्ट है मिल्क और शुगर के साथ, इसी की वजह से आपके डोनट्स वो बिल्कुल पिलो सॉफ्ट जैसे वो वैसे सॉफ्ट और फ्लफी होंगे। तो ये हम अलग से, इसको हमें 10 मिनट तक अलग से रखना है ताकि ये इसमें छाक आ जाए। जब तक वो हो रहा है, 2 कप मैदा एक ग्लास बोल में आप डाल लीजिए या किसी भी बोल में, ये देखिए 2 कप मैदा इसमें डाल लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसी में ही हम शुगर भी डालेंगे, 3 टेबलस्पून शुगर डालेंगे इसमें हम। अब ये अप्रोक्सीमेटली 3 टेबलस्पून आपको बटर मेल्ट करना है, हल्का मेल्ट करके रख लीजिए इसमें डालने के लिए। आई थिंक दिस शुड बी 3 टेबलस्पून, एक बोल लीजिए। ये बटर मेल्ट हो चुका है, हमने माइक्रो में डाल के इसको मेल्ट कर लिया है। ये देखिए ये फर्मेंट जिसको कहते हैं वो हो चुका है, सो इसमें झाग आ चुके हैं, तो दैट मींस इट्स रेडी। तो इसको आप निकालिए ऐसे, और इसमें धीरे धीरे, उससे पहले मैं भूल गई, वनीला एसेंस ये आप डालिए, 3 बूंद या आधा टीस्पून बटर डालिए जो आपने अभी निकाला है सारा, वो तो बटर डल गया है। और ये रहा आपका यीस्ट, अब इसको पूरे को मिक्स कर लीजिए, एक बड़ी स्पून लेके भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। आपका डो रेडी है। अब हमें इस डो को आधे घंटे के लिए रखना है, छोड़ना है ताकि ये राइज हो। इसको रख दीजिए, डो काफी ऊपर उठ चुका है, खोलिए अब इसे। Ooh, nice! Look at this! How soft it has gotten. अब इसको फिर से हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको पिंच करते हैं। ये देखिए। अब ये 2 मिले मुझे इस साइज के, सो the donuts are ready। अब ये
ऑयल देखिए ये भी गर्म हो चुका है, इसको मैंने बिल्कुल कम पे किया हुआ है। एक डोनट को हम पिकअप करते हैं, बहुत जेंटली पिकअप कीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और जेंटली इसमें डालिए, देयर यू गो, एज यू कैन सी ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। हल्के हल्के ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ये एक हो चुका है, as you can see there. इसको हम टिश्यू पे रख देंगे थोड़ी देर। इसका ऑयल अब निकल चुका है, देखिए चेयर जब थोड़ा गर्म ही है ये, टेक अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर्ड शुगर एंड जस्ट पुट दिस। First donut is ready. They're very simple donuts. We've not done much with it. Sirf ek powdered sugar kade powdered sugar uspe sprinkle kari hai, par aap bahut kuch cheeze kar sakte hain. You can put chocolate syrup on it. You can put some cinnamon on it. You can also put some sprinkles, rainbow sprinkles. Bachcho ko bahut pasand hote hain, but this is our version. Kaden, you want to try one? Oops, yeah. Okay, you want to try this? Ye extra baj gaya tha, so I made this. Try it. This one, because they've just been taken out of the oven. These ones are not going to be that hot. Oh, it's so good. Is it nice? It's so good. Honestly. Honestly, कमाल का है डोनट्स का, काफी शौकीन रह चुका हूँ एक टाइम पे। दिस इज द बेस्ट आई हैव इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। डोनट बनाने वाला हूँ प्रोफेशनली, आप कुछ सीख सकते हैं टेक्सचर से, फ्लेवर से। वाओ, थैंक्स, सही कह रहा हूँ, वेरी नाइस।